अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से गुलबर्गा शहर में हुज्जाज इकराम के लिए तहनियती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और साथ ही इस महीने उमरा के लिए रवाना होने वाले हजरात के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए हर साल हज़ारों लोग हज उमरा सर्विसेज का फ़ायदा हासिल करते हैं और इस मरतबा जो लोग अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए हज कम्प्लीट कर चुके हैं उन तमाम को जमा कर तहनियत पेश की गई है और साथ ही इस महीने उमरा जाने वाले लोगों को अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब ताहिर अली ख़ान ने बेहतर अंदाज में उमरा की रवानगी से लेकर वापसी तक के तमाम फ़राइज़ और सुन्नतें सिखाई हैं। तमाम हुज्जाज इकराम ने तहनियत पेश करने पर अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए इस ट्रैवल्स की तारीफ कर कहा, जो कोई भी हज उमरा के लिए अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस का इस्तेमाल करता है वो वापस आने पर काफ़ी मुतमईन हो जाता है। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर का एक भरोसेमंद ट्रैवल है जो पिछले 23 सालों से खिदमात अंजाम देते आ रहा है। दीन को, दीन के मसाइल को सीखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आप दो रकात नमाज पढ़ लिए, नमाज के वक्त में अपनी जो चादर है ये सर पे डाल के पढ़ लेंगे, चादर नहीं टोपी भी आप पहन के जो है ना नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप नमाज पढ़ लिए, पढ़ने के बाद टोपी चादर जो है ना सर पे से हटा दिए, आप नियत करेंगे, नियत अभी मत करो फ्लाइट में चढ़ने के बाद, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है कि फ़्लाइट टेक ऑफ होने में देर हो जाती है, दो चार घंटे फ्लाइट जो है ना डिले हो जाता है, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या मौसम के ख़राबी की वजह से फ़्लाइट के डिले होने का ऐलान किया जाता है। ऐसी सूरत में अब आप क्या करेंगे, नियत अभी ना कर नहीं करेंगे, जब तक के नियत नहीं करे आप मुहर्रिम नहीं हो गए, यानी एहराम की पाबंदियाँ आप पर लागू नहीं होती। अब जब आप नियत करेंगे तभी पाबंदियाँ आ जाती हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, ए अल्लाह मैं उमरे का इरादा करता हूँ, आसान फरमा कबूल फरमा। क्या फरमा? आसान फरमा कबूल फरमा। अब नियत कर लिए उसके बाद में तलबिया पढ़ लेना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, हाजिर हूँ ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक हाजिर हूँ, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरी ज़ात में नहीं कोई, तेरी सिफात में नहीं, इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क, तमाम हम्द सना तमाम नियामतें और ये पूरा मुल्क है और पूरी कायनात, इसके मालिक आप ही हैं, आप ही के लिए ये सब चीज़ें हैं, ला शरीक अलग आपका कोई शरीक नहीं। अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए, क्या पाबंदियाँ? अब सिला हुआ लिबास आपके जिस्म पे नहीं चढ़ेगा जब तक के एहराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल सईद टूर्स और ट्रैवल्स की जानिब से जो हर साल हुज्जाज इकराम और उमरा ज़ारईन को हज और उमरा करवाते हैं, आज यहाँ पर जो पिछले साल यानि इस साल जो हज कर कर जो हज की अदायगी से वापस आए हैं उनको यहाँ पर अल सईद हज टूर्स एंड ट्रैवल की जानिब से तहनियत पेश की गई और उनके हक़ में दुआ भी की गई। साथ ही साथ इस माह की 12 तारीख को उम्र के लिए बहुत सारे हजरात और 5 अक्टूबर को भी बहुत सारे हजरात अल्हम्दुलिल्लाह उम्र का इरादा किए हैं, उनको भी यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर रखा गया था और काफ़ी तफसीली जो तरबियत जिसे कहते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें रहते हैं जिनका मालूमात होना बहुत ज़रूरी होता है, उन तमाम चीज़ों को मोहतरम ताहिर अली ख़ान साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज़ में आज़मीन हज को समझाया है। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि अल सईद हज व उमरा टूर्स एंड ट्रैवल का 24 साल रिकॉर्ड है, उनकी खिदमात हैं और हर कोई जब एक मरतबा जाकर आता है तो उनके इस खिदमत से मुतमईन रहता है और ये कोशिश करता है कि बार बार उनके टूर्स एंड ट्रैवल से उमरे को जाए, हज को जाए। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस साल यानी गुज़िश्ता माह 2 महीना पहले जो हज अदा कर कर हजरात आए हैं
उनसे मेरी बातचीत हुई तो सभी हजरात ने, सभी हुज्जाज इकराम ने बहुत ही इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अराकीन और तमाम जो सहूलियात वहाँ पर मुहैया की जानी थी वो की गई है। और मैं इस मौके पर जो इस साल हज को जो अदा कर कर आए हैं, ना सिर्फ ज़िले गुलबर्गा कर्नाटका, हिंदुस्तान, पूरे आलम इस्लाम के हुज्जाज इकराम को दिल की अमीर गहराओं से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह सुबहान तआला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए, हज मकबूल अता फरमाए। वो इसलिए भी कि ये बहुत खुशकिस्मत लोग हुज्जाज इकराम थे, बहुत ही कम यानी 10 लाख हुज्जाज इकराम को इस मरतबा मौका दिया गया था और तमाम तर सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को नसीब हुई हैं। माजी में ऐसी जो है ना सहूलियात हम सबको नसीब नहीं हुई थी। बहुत ही ये हजरात खुशकिस्मत हैं और ताहिर अली खान साहब ने इस मरतबा, मैंने सुना कि बहुत ही करीब में उनका जो मुअल्लिम था बहुत ही करीब थे और वहाँ पर मक्के में और मदीने में जो होटल्स थे वो भी काफ़ी करीब थे और हुज्जाज इकराम को नमाज़ों को जाने के लिए, आने के लिए, इबादत करने के लिए, ज़िक्र व अज़कार करने के लिए कोई यहाँ पर उनको तकलीफ़ नहीं हुई है। मैं इस मौके पर ताहिर अली खान साहब, उनके जो भतीजे हैं, भांजे हैं और उनके भाई साहब मौलाना आमिर अली खान साहब, मुदस्सिर साहब, मुदब्बिर साहब और मुताहिर साहब को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2022 का हज अल्लाह ताला हमें नसीब किया। जो मेरी तमन्ना 2 साल से थी, कोविड की वजह से नहीं जा सका था, इस साल अल्लाह ताला जो है हज अकबरी नसीब किया। और सबसे खुशकिस्मती हमारी ये रही कि मुझे अल सईद ट्रैवल से जाने का मौका मिला, जो बेहद कामयाब रहा। हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा, जो है इनकी रहबरी हमारे ताहिर साहब जो हमें अपने मसाइल से वाकिफ़ कराते थे, अरकान अदा करने की सही तरबियत देते थे। आप यहाँ से गुलबर्गा से हैदराबाद, हैदराबाद से जब हम जिद्दा पहुँचे, वहाँ से जो सहूलियात दिए, उसके बाद काकिया में रहे, वहाँ पर फुल सहूलतें दिए, अच्छा लाज मुहैया किए, खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। वहाँ से मक्का शरीफ जाने के लिए तीन वक्त के बसेस थे, जाने आने की सहूलत थी, आराम से हम लोग काबा शरीफ जाके नमाज अदा करके आ सकते थे। और जो है वहाँ पर उसके बाद मीना चले गए, वहाँ पर भी मकतब नैन जो बिल्कुल करीब था वहाँ पर हमें रखा गया, वहाँ से बेहद जो है करीब जमरात वगैरह थे, वहाँ सहूलत से जो है वह ये करे। उसके बाद जो है अरफात को गए, वहाँ भी बसेस के सहूलत थे, वहाँ पर भी एक अच्छी सी दुआ की, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन जो है अपना बयान दिया था, जो खुतबा दिया था, वहाँ पर उस दिन ताहिर साहब ने बहुत अच्छी दुआएं की, जो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल किया। हमें जो है बेहद खुशी हुई, हमें समझता हूँ कि हमारा हज कबूल हुआ। वहाँ से जो है हम लोग मुज़दलफा गए, वहाँ पर भी बसेस का इंतज़ाम था और खाने का इंतज़ाम था। उसके बाद मक्का शरीफ वापस आए, जो 15 तारीख से लेकर बिल्कुल करीब मक्का के 200-300 किलोमीटर पे मुकर्रम लास था, जो 5-स्टार होटल है, जो बिल्कुल करीब है, जो है अल्लाह के फजल से वहाँ पर भी 1 महीने के करीब हम रहे, जो है वहाँ सिर्फ कामयाबी के साथ हम मदीना शरीफ आए। मदीना शरीफ में भी बिल्कुल करीब जो है लाज का इंतज़ाम किया गया था, जो 50 मीटर की दूरी पर था, वहाँ पर भी तमाम तारीख़ी मुकामात का जो ज़ियारत कराए, मक्के में कराए, जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छी सर्विस लिए किए हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी मुझे अगर जाने का मौका मिला तो मैं अल सईद को रिकमेंड करूँगा और उनका, उनकी टीम का, मुदस्सिर साहब का, आदिल साहब का और कुक सलीम और फारूक जो है बहुत अच्छी सर्विस दिए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इस साल 2022 हज के लिए अल सईद टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से गया था, बहुत सारे सर्विस बहुत अच्छी दी है उन्होंने, बहुत सारे अरकान बहुत सिस्टेमेटिक से अरकान किए हैं उन्होंने, काकिया में सर्विस अच्छे दिए है और मीना के अंदर टेंट बहुत करीब लिए थे, हर कहें जहीज बहुत अच्छे, ताहिर अली साहब अल सईद टूर एंड ट्रैवल्स बहुत अच्छी सर्विस दिए। ताहिर अली साहब को मैं बोलता हूँ अल्लाह उनकी उम्र को दराज करे, बहुत अच्छे खिदमत पेश कर रहे हैं उन्होंने और सर्विस में दुआएँ भी बहुत अच्छे किए करते हैं, हर वक्त हर हाजी को
इंतज़ाम के लिए पूछते हैं, खाना खाया है नहीं, आप सर्विस कैसी है, आपकी तबीयत वगैरह खैरियत से है नहीं। और होटल तो बहुत ही बहुत करीब थे मकरियम में, अल मक्का शरीफ के अंदर, और मदीना में भी बहुत बिल्कुल सामने, मदीना शरीफ हरम के सामने बिल्कुल करीब थे होटल्स, कहीं भी फाइव स्टार होटल थे। सर्विस के हद तक बहुत खुश हूँ मैं और उनका शुक्रगुजार हूँ। आइंदा जाने का इरादा करता हूँ तो अल सईद टूर एंड ट्रैवल्स को रेकमेंड करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से 3 बजे तक एक तहनियती और तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया था। इस तहनियती कैंप के अंदर जो पिछले साल यानी इस साल 2022 में जो हुज्जाज इकराम हज की सआदत हासिल किए हैं उनके तासुरात और उनकी गोलपोशी की गई, और इसके अलावा एक तरबियती प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया था। यानी अब आने वाले 12 सितंबर को हमारे असही टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से काफिला उमरा हज मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहा है। इंशाल्लाह उसके बाद 5 अक्टूबर रबीउल अव्वल में पहले मदीना मुनव्वरा हाजिर होगा, फिर वहाँ से मक्का मुकर्रमा हाजिर होगा। असही टूर्स एंड ट्रैवल्स पिछले 23 साल से हुज्जाज इकराम की खिदमत कर रहा है। ये एक भरोसामंद और बाएतमाद इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हजरात जानते हैं। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ हुज्जाज इकराम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जो आज तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया था इसके अंदर तफसीली तौर पर खादिमुल हुज्जाज, रहबलुल हुज्जाज, मुअल्लिमुल हुज्जाज ताहिर अली खान साहब, प्रोपरेटर असईद ने तफसीली तौर पर उमरे की तमाम अहकाम, तमाम अरकान, फ़राइज़ और वाजिबात और तमाम सुन्नतें हुज्जाज इकराम के सामने बड़ी तफसील के साथ बताई। आप भी इसको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। यह जो ट्रेनिंग होती है बहुत अहम होती है, इसके लिए जितनी तरबियत ली जाए और जितनी तरबियत दी जाए बहुत कम है, क्योंकि वो एक ऐसा मुकाम है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, वहाँ पर हम लोग पहली मर्तबा हाजिर होते हैं, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बाएतमाद इदारा है, आप सब जानते हैं। इंशाल्लाह अगला जो हमारा उमरे का काफिला रवाना होगा वो नवंबर में होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दिसंबर में भी होगा। इंशाल्लाह हर माह असही टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उमरे के काफिले रवाना भी होंगे और इसकी भी बुकिंग जारी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ा अनाउंसमेंट भी असही टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से किया जाने वाला है, जो इंशाल्लाह जुरेशलम मस्जिद अक्सा की तरफ भी इंशाल्लाह हम लोग पैकेजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब हजरात से गुजारिश है कि हमारे टूर्स के से इस्तेफादा हासिल करें। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो ऑफिस है वो मिजगोरी पर है, अल करीम होटल के बिल्कुल अपोजिट में, अल करीम कॉम्प्लेक्स में, गंज रोड गुलबर्गा में है। वहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ऑफ़िस खुली रहती है। इंशाल्लाह इसके अलावा बहुत से अदर सर्विसेज भी हैं जो इंशाल्लाह आप वहाँ पर आकर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।